कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी। दोस्तों, समझदार और सक्सेसफुल लोग इन्वेस्ट पहले करते हैं और जो बच जाता है उसे खर्च करते हैं, जबकि फेलुअर लोग सब कुछ खर्च कर देते हैं फिर बाद में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। लेकिन उस टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास ज्यादा कुछ नहीं बचता है। डू यू नो कि इस वर्ल्ड का सबसे बेटर इन्वेस्टमेंट क्या है? ना तो वो शेयर मार्केट है, ना ही वो किसी तरह का म्यूचुअल फंड, और ना ही बैंक द्वारा चलाई गई कोई स्कीम्स। दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है अपने आप में इन्वेस्ट करना। अपने आप में इन्वेस्ट करने का मतलब है अपने हुनर और गुणों पर काम करके उन्हें बढ़ाना। मैंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि आपके द्वारा कहीं भी इन्वेस्ट किया गया पैसा नुकसान में जा सकता है या फिर आपसे कोई छीन सकता है। पैसा गंवाने के बाद आप सक्सेस से फेलियर पर आ सकते हैं। यहां पर एक बात को ध्यान से समझना, अगर आप अपने पैसे को अपने हुनर पर खर्च कर रहे हैं तो आप हमेशा ही फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपके हुनर को आपसे कोई नहीं छीन सकता है। साथ ही साथ आप अपने हुनर के दम पर कहीं भी और कहीं भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये बात मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक मैजिशियन अपने शो के दौरान अपने मैजिक यानी कि अपने हुनर से बहुत से लोगों का दिल जीतता है। अगर उसे उसके शो से निकाल दिया जाए, ऐसी सिचुएशन में वो सड़क पर अपने हुनर के दम पर लोगों को इकट्ठा करके उनका दिल जीत सकता है और फिर भी पैसा कमा सकता है। जो भी लोग इस दुनिया में कामयाब हैं, उन सभी ने अपने हुनर पर काम करके उन्हें बढ़ाया है। अगर आप अपने हुनर पर काम कर रहे हैं तो यह इन्वेस्टमेंट आपको रंक से राजा बना सकता है। अपने हुनर में आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि कल कभी भी नहीं आता है। किसी भी काम की शुरुआत बहुत ही मुश्किल होती है, इसलिए बीच रास्ते में हिम्मत मत हार जाना। ऐसा भी हो सकता है कि आपको शुरू शुरू में रिजल्ट ना मिले, ऐसे समय में थोड़ा सब्र रखना। मेरा यकीन मानो, अपने आप में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको कभी भी डूबने नहीं देगा। मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूं, समझदार और सक्सेसफुल लोग इन्वेस्ट पहले करते हैं और जो बच जाता है उसे खर्च करते हैं, जबकि फेलुअर लोग सब कुछ खर्च कर देते हैं और बाद में इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास कुछ नहीं बचता है। आपको क्या करना है, इस बात का फैसला आप अपने आप करो। पहले अपने आप पे इन्वेस्ट करो। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है आप सब के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा, और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। खुश रहिए आप।